क्या 1 जुलाई से हो सकता है न्यू वेज कोड लागू? जाने न्यू वेज कोड लागू होने से आपकी नौकरी टाइमिंग और सैलरी पर कितना असर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए नया वेज कोड जल्द लागू किया जा सकता है। इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी से लेकर पेंशन तक सब पर असर पड़ेगा। इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल सरकार नौकरी पेशा लोगों के लिए 4 बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। अगर ये 1 जुलाई से देश भर में लागू होते हैं तो इसका असर नौकरी पेशा लोगों की साप्ताहिक छुट्टियों से लेकर इन हैंड सैलरी तक में दिखेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इन 4 लेबर कोड्स को फाइनल कर दिया है, जिनमें लेबर कोड वेज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से जुड़े हैं। तो हो सकता है कि 1 जुलाई से आपको दफ्तर में अधिक समय तक काम करना पड़े, लेकिन आपको 3 दिनों का साप्ताहिक अवकाश भी मिल सकता है। क्या है ये नए लेबर कोड और इसके लागू होने के बाद नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या क्या नए बदलाव आएंगे, आइए आपको समझाते हैं। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद नौकरी करने वालों को सप्ताह में 4 दिन ही दफ्तर जाना पड़ेगा। उन्हें 3 दिन का वीकली ऑफ मिलेगा। हालांकि आपको 8 या 9 घंटे की जगह 12 घंटे दफ्तर में काम करने होंगे। नए कानून के अनुसार किसी भी कर्मचारी को सप्ताह में 48 घंटे काम करने होंगे। मतलब ये है कि आपको काम कम नहीं करना है, लेकिन ऑफिस 5 दिन की जगह 4 दिन ही जाना होगा। नए वेज कोड के लागू होने के बाद टेक होम सैलरी यानी इन हैंड सैलरी आपके खाते में पहले के मुकाबले कम आएगी। सरकार ने नए नियम में प्रावधान किया है कि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी टोटल सैलरी का 50% या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक सैलरी अधिक होगी तो PF कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। सरकार के इस प्रावधान से रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को मोटी रकम मिल सकती है। वहीं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बारे में कहा गया है कि कंपनी से नौकरी छोड़ना, बर्खास्त, छटनी और इस्तीफा देने के 2 दिन के अंदर कर्मचारियों को उनकी सैलरी का भुगतान किया जाएगा। सुरक्षा की बात करें तो महिला कर्मचारियों को उनकी सहमति से रात्रि में काम करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। संस्थान को महिला कर्मचारियों को रात्रि में पर्याप्त सुरक्षा एवं सुविधाएं देने की व्यवस्था करनी होगी। महिला कर्मचारियों को वेतन सहित मातृत्व अवकाश यानी मेटर्निटी लीव 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान है। तो ये थे वो न्यू वेज कोड जो 1 जुलाई से लागू हो सकते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े देशहित न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।